सर डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए सर। अच्छा, ध्यान देना, पोटेंशियल यहाँ पे खास तौर पर देखोगे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग पोटेंशियल इस टर्म का कहीं यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए पोटेंशियल टर्म भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पोटेंशियल क्या बोले गए थे, यदि सपोज 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को हम यदि इंफिनिटी से मूव करा रहे हैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर ए तक, तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट को जब चार्ज ही यदि है तो इसको जब मूव करा रहा है इसका मतलब जब फोर्स लग रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम बोलेंगे वर्क डन होगा। और जितना अमाउंट का वर्क डन होगा 1 कूलम चार्ज पे मूव कराने के लिए, तो इस पॉइंट तक लाने के लिए मान लो कि 10 जूल वर्क हो रहा है, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट तक लाने के लिए 10 जूल वर्क हो रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, यदि हम 1 कूलम चार्ज को ए तक लाए 10 जूल वर्क हुआ, यदि हम एक दूसरा पॉइंट मान लो कि बी पॉइंट तक लाते हैं सपोज 5 जूल वर्क होता है सपोज, तो हम बोलेंगे कि बी का पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी 5 जूल है, 5 वोल्ट है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बोलेंगे 10 वोल्ट। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो बोलेंगे 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, VAB इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 वोल्ट। एक्चुअल में ये जो 5 वोल्ट मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट यदि है तो यहाँ पे 5 वोल्ट एक्स्ट्रा है, मतलब एडिशनल 5 वोल्ट का जो वैल्यू आ रहा है किस कारण से आ रहा है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को कुछ ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कराया गया, तो इसलिए इस ढंग से डिफाइन किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस को, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम टू ब्रिंग यूनिक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग बात करते हैं कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया जाता है, ठीक है। और पोटेंशियल में हम लोग बात करते हैं क्या, इंफिनिटी से चार्ज को हम लोग एक पॉइंट तक मूव कराते हैं, यही है। हालांकि यदि ज्यादा अमाउंट का चार्ज रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल के पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा टोटल वर्क डन बाय टोटल चार्ज, मतलब यदि 10 कूलम का चार्ज यदि कैरी किया जा रहा है और 100 जूल वर्क हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे टोटल वर्क बाय टोटल चार्ज, इससे क्या आ जाएगा 1 कूलम चार्ज में कितना वर्क डन हो रहा है ना, तो ये है, ठीक है, क्लियर हुआ ये, यस सर, ठीक है। तो यही है डेफिनेशन, ये लिखाया हुआ है। और एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में ज्यादा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल में कम पोटेंशियल होता है, दैट इज हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तब तक चार्ज मूव होता है, क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में जब हाई पोटेंशियल है मतलब नेगेटिव टर्मिनल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रॉ करता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप जो होता है बैटरी में, यही पोटेंशियल डिफरेंस रेस्पॉन्सिबल है ईएमएफ प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूव करने वाला फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये है। एनी मोर डाउट, और कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट का डाउट है तो बोलोगे, किसी स्टूडेंट का और कोई डाउट है क्या, और सर एक बैटरी में ऐसा बनाया कैसे जाता है कि एक साइड होगा हायर एक साइड लोअर, देखो बनाया कैसे होता क्या है कि वर्क किया यदि जाए या फिर कभी भी एनर्जी जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है,
तो वहां बैटरी जो होता है ना, बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होता है, वहां पे रिएक्शन होता है कुछ और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है, ज्यादा एनर्जी स्टोर कराएगा, ठीक है, या वहां पे जो केमिकल एनर्जी टर्मिनल में क्या होता है, कम एनर्जी होती है। तो यही है, वहां पे ऐसा किया ही जाता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस यदि नहीं होगा तो मूव ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से वो सेटअप ही किया जाता है। देखोगे कोई क्वेश्चन और यदि है तो पूछो, अदरवाइज कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे हम थ्योरी ही बताएंगे आज हम, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे फिर आ जाएंगे और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और एक टेक्स्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर, सर्किट में सर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, लेकिन सर मतलब इसमें डायग्राम में दिखाया जाता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। हाँ, तो ये तो समझाया था ना, देखो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट दिखाते हैं जिसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन यदि मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो यदि मूव कर रहा है, तो उसके मूवमेंट के ही अलोंग उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है ना। तो एक्चुअल में जो करंट का डायरेक्शन लिया गया है इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले ही, करंट का डायरेक्शन लिया गया है कि कोई भी चीज फ्लो करेगा तो किधर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे वाटर ही यदि फ्लो करता है तो किधर, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है। इसलिए करंट का भी जो डायरेक्शन लिया गया है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट, तो इसको कन्वेंशनल करंट नाम दिया गया। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या था, बाद में पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो जब इसको हम लोग पहले से इसका लिया गया है कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, तो उस करंट का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो वो है कॉन्वेंशनल करंट। और कोई डाउट? देखो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना। एक सर्किट डायग्राम है, चलो एज्यूम करते हैं एक सर्किट डायग्राम का, ठीक है। एक रेसिस्टर है सपोज 3 ओम, एक दूसरा रेसिस्टर है 6 ओम, फिर यहां पे सपोज 4 ओम है, और इसमें एक बैटरी हम कनेक्ट कर दिए हैं सपोज 12 वोल्ट का, करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहे हैं। और यहाँ पे सपोज ये स्विच है, एमीटर है, ठीक है, और वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं जहां पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड फर्स्ट टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस, सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम एंड 4 ओम, ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलो इसमें और एक पॉइंट हम ऐड कर देते हैं, थर्ड ये निकालना है, करंट थ्रू 6 ओम एंड 4 ओम, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐड किए हुए। तो देखोगे यहां पे आप ये निकालना सीखोगे कि कोई भी सर्किट में करंट कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, दो चीजें, और रेसिस्टेंस निकालना हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, पहला क्वेश्चन तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलो फर्स्ट पार्ट पहले हम बताते हैं, उसके बाद सेकंड थर्ड पार्ट के बारे में आते हैं। तो देखो सॉल्यूशन पे हम आते हैं, ध्यान देना
दो रेसिस्टर्स है जिसका रेसिस्टेंसेस कितना है 3 ओम और 6 ओम। तो ये तो आप डायरेक्टली देख रहे हो कि ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन रख रहे हैं। तो चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देख लेंगे कि टोटल कितना रेसिस्टेंस आएगा पैरेलल। तो हम याद करना हम बताए रहते हैं दो के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो आरपी इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू। तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स 3 × 6 और ये दोनों का सम करेंगे इसका मतलब क्या 3 + 6। तो 3 + 6 आपका क्या आएगा 9 आएगा। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं 9 ठीक है 3 × 3 = 9 3 × 2 = 2 मतलब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो रेसिस्टेंसेस है टोटल कितना रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है 2 ओम। टोटल 2 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे दो के बजाय एक ही रेसिस्टेंस है कितना 2 ओम और ये 2 ओम और यहाँ पे 4 ओम ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से कनेक्शन रख रहा है सीरीज सीरीज कि एक जो 2 ओम का दिख रहा है और इसके बगल में क्या दिखेगा 4 ओम मतलब 2 ओम और 4 ओम अब सीरीज में होगा। और सीरीज में सिंपल क्या करते हैं एल्जेब्रिक सम करते हैं इसलिए नाउ द टोटल रेसिस्टेंस भी 2 ओम प्लस 4 ओम व्हिच इज 6 ओम। तो आप नेक्स्ट लिखोगे आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू चलो एक 2 है और एक 4 है तो फाइनल वैल्यू क्या है 6 ओम ये फाइनल आंसर है ठीक है ये 6 ओम है। अब देखो ध्यान देना अब यदि हमको ये फाइन करना है कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है ठीक है हालांकि करंट फ्लो 4 ओम यहां पे करंट का जो वैल्यू है 4 ओम रेसिस्टेंस के थ्रू जितना करंट का वैल्यू है वही रीडिंग दिखेगा एमीटर पे और इस पाथ में करंट का वैल्यू और इस पाथ में करंट का वैल्यू क्या होगा अलग अलग होगा ठीक है। आप खुद समझ सकते हो सपोज समझाने के लिए हम ले रहे हैं सपोज यहाँ पे 4 एम्पियर करंट जा रहा है तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा करंट। आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है कम है 3 ओम यहाँ पे 6 ओम है जब रेसिस्टेंस कम है तो करंट का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा। और ध्यान देना हमेशा कि करंट और रेसिस्टेंस एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ओम्स लॉ के अनुसार याद करोगे आई प्रोपोर्शनल टू वी और यहाँ से फॉर्मूला आया होता है आई इक्वल टू वी बाय आर मतलब हम बोल सकते हैं ना आई प्रोपोर्शनल टू 1/r ठीक है। तो आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे रेसिस्टेंस का रेशियो क्या है 3:6 3:6 मतलब 1:2 का रेशियो रेसिस्टेंस का है 1:2 का करंट का रेशियो क्या होगा इसका अपोजिट होगा करंट का रेशियो होगा क्या ये रेसिस्टेंस का रेशियो R1:R2 R1 और R2 का रेशियो है 1:2 तो करंट का रेशियो क्या होगा I1:I2 यदि हम लोग बोलेंगे इसके थ्रू करंट और इसके थ्रू करंट करंट का रेशियो क्या होगा 2:1 होगा ये हमेशा याद रखोगे ठीक है। ये जो रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम समझाए हुए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है डेफिनेशन पे जाओगे डिफाइन जब हम किए हुए थे वहां पे लिखाए हुए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन करंट डिफर कर सकता है। करंट कब अलग अलग होगा जब रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। तो हम लोग यहाँ पे पा रहे हैं कि रेसिस्टेंस क्या है अलग अलग है तो करंट का भी वैल्यू अलग अलग होगा। तो इस ढंग से हम लोग ये लिख देते हैं कि सपोज इस पार्ट पे करंट का वैल्यू कितना है मान लेते हैं I1 और इस पार्ट पे करंट का वैल्यू क्या है I2 चलो एज्यूम कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले चलो हम पहले सी पार्ट को निकाल देते हैं क्योंकि जब तक आप करंट नहीं निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा है ना। तो पहले हम लोग करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं सी पार्ट को पहले निकाल रहे हैं ये पार्ट आपका हो चुका है सी पार्ट पे हम बोलेंगे ये R1 है ये R2 है R1:R2 का रेशियो क्या है 3:6 व्हिच इज 1:2 देयरफॉर हम डायरेक्ट बोलेंगे कि I1:I2 सीधे रिवर्स कर देंगे ठीक है कि किस रेशियो में होगा तो हम बोलेंगे ये 1:2 है तो यहाँ पे होगा 2:1 बाय ओम्स लॉ
क्योंकि करंट और रेसिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब देखोगे पहले चलो हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल करंट कितना है। चलो यहाँ पे कुछ करंट होगा, यहाँ पे कुछ करंट होगा, दोनों करंट मिल जाएगा और 4 ओम के थ्रू टोटल करंट मतलब दोनों मिलने के बाद करंट पास करेगा, ठीक है। तो ये टोटल करंट हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे टोटल करंट इक्वल टू टोटल करंट को चलो हम लोग आई मान लेते हैं कि इसके थ्रू करंट कितना है आई, तो हम बोलेंगे आई इक्वल टू वी बाय आर। तो टोटल करंट के लिए बोलेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, तो हम बोलेंगे 12। और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेसिस्टेंस आप निकाल चुके हो इस सर्किट में, टोटल रेसिस्टेंस कितना 6, तो बोलेंगे आई इक्वल टू वी बाय आर। तो वैल्यू कैलकुलेट करने पे 6 × 12 आ रहा है मतलब 2 एम्पीयर, ठीक है। तो करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पीयर। अब हम लोग चाहेंगे तो I1 और I2 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं देखोगे कि I1 और I2 का जो वैल्यू है ये है, देयरफॉर लेट I1 इक्वल टू 2x एंड I2 इक्वल टू x, जिस तरह से मैथ में सॉल्व करते हो वैसे ही कर लेते हैं। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे नाउ I1 प्लस I2 इक्वल टू I, कि I1 और I, तो I1 का जो वैल्यू अज्यूम किया है 2x, I2 का वैल्यू x इक्वल टू करंट, I का वैल्यू हमको पता चल चुका है कितना है 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है देख लो 3x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2/3। यदि आप पॉइंट में करना चाहो तो आपके पास आएगा 0.67 एम्पीयर। और इसी तरह से जब x का वैल्यू आ गया मतलब I2 का वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं therefore I2 equal to x है जो 0.67 एम्पीयर होगी। I1 का यदि हम लोग वैल्यू लेंगे है ना, I1 का यदि हम लोग वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा 2x, तो हम बोलेंगे 2 × x या 2/3 यदि ले लेते हैं तो आपके पास आएगा 4/3 जो आएगा 1.33 आपके जाएगा है ना। ये तो इस तरह से जो है ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था उसके अक्रॉस उसी के अनुसार हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, करंट थ्रू 6 ओम, तो हम बोलेंगे करंट थ्रू 6 ओम, तो 6 ओम ये है मतलब I2 का वैल्यू पूछा था तो बोल दो कि I2 का वैल्यू ये है, ये हमारा आंसर। फिर पूछा हुआ था कि करंट थ्रू 4 ओम, करंट थ्रू 4 ओम, तो 4 ओम जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट होगा, तो बोलेंगे टोटल करंट, टोटल करंट कितना जो हम लोग निकाल चुके हैं ये है, ठीक है 2 एम्पीयर। तो ये आपका आंसर है, लेकिन लास्ट में फाइनली आप लिख दो ताकि क्लैरिफाई हो जाएगा, देयरफॉर करंट थ्रू 4 ओम इक्वल टू 2 एम्पीयर एंड करंट थ्रू 6 ओम, 6 ओम के थ्रू क्या है 0.67 एम्पीयर। तो ये दो पार्ट हुआ आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन का दो पार्ट हो चुका है। यहां तक में किसी को पूछने का है कोई डाउट है तो आराम से देखो। थर्ड पार्ट करंट जब निकल गया तो अब बस एक फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग और इजीली निकले, ठीक है, देख लो। एनी डाउट, सर्किट डायग्राम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, इसको हम मिटाने वाले हैं, नहीं कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बस सेकंड समझा दीजिए ना, बी नंबर, बी अभी तक बताया ही नहीं है, सी बताया, बी कहाँ पे बताओ। तो गलती से लगा कि समझा, कहाँ पे सर गलती लगा, समझा दिए, नहीं 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 समझा, बी पार्ट में समझाने वाले हैं,
बी पार्ट करंट पहले निकालते हैं फिर पोटेंशियल डिफरेंस, तो बी पार्ट हम निकालेंगे अभी, ठीक है आगे बढ़ जाए। यस सर। अब देखो ध्यान से, चलो हम यहीं पे यहाँ पे 2 ओम आया हुआ था, यहीं पे बी पार्ट को हम यहीं पर बना दे रहे हैं बी पार्ट, इसको इजीली बनाया जा सकता है क्योंकि करंट निकल चुका है। देखोगे हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो मान लो कि हम ये जो 3 ओम रेसिस्टर है इन दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, देखोगे ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है, मतलब बाय द वे वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्ट मीटर का एंड पॉइंट्स को यहां और यहां पे कनेक्ट करके हम मेजर करना चाहे कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा, तो यदि हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यदि है वी1, तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, मतलब इस वी इक्वल टू आई आर, यहाँ पे करंट कितना है आई वन है, और रेसिस्टेंस जो भी है रेसिस्टेंस भी यदि हम आर वन यदि मान लो स्टार्टिंग से ही इसको आर वन माने हैं इसको आर टू माने हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आया, देख लो करंट का वैल्यू निकल चुका है, आई वन का वैल्यू देखोगे निकल चुका है कितना है 4/3, फिर रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है 3 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम इक्वल टू इसको V1 मान लिया है और बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है V इक्वल टू आई आर बाय ओम्स लॉ, ठीक है। फिर इसमें और एक पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, मतलब यहां से 4 ओम ओम के अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहे, मतलब हम वोल्ट मीटर को इसे कनेक्ट यदि कर देते हैं, ठीक है। यदि हम बोलेंगे कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 है, ठीक है, और V2 निकालना चाह रहे हैं तो यहां पे फिर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम इक्वल टू इसको V2 मान लेते हैं और V इक्वल टू आई आर, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं V इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना है टोटल करंट, और टोटल करंट I कितना है 2, देखोगे टोटल करंट I कितना है 2 और R रेसिस्टेंस कितना है 4, तो बोलोगे 4 तो 2 4 का कितना हो गया 8, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट होगा, है ना, तो 8 वोल्ट। इवन याद करना जब थ्योरी बता रहे थे हम प्रूफ कर रहे थे कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स में इस तरह से किए हुए थे, यहाँ इसके अक्रॉस यदि V1 है इसके अक्रॉस V2 है, उसमें और एक लिए हुए थे 3 रेसिस्टर्स लिए थे सीरीज में V3, तो हम वहां पे लिखे भी थे V=V1+V2+V3, तो यहाँ पे भी ऐसा ही आना चाहिए। देख लो कि यहाँ पे इस दोनों के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पैरेलल में है, एक एक चीज याद रखोगे जो हम ये जब पैरेलल में है मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया 4 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस क्या होगा सेम होगा 4 वोल्ट, यहां पे आप निकाले कितना आया 8 वोल्ट। अब क्या दोनों को ऐड करो V1+V2 क्या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, आएगा ही 4 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट कितना 4 प्लस 8 कितना आएगा 12 जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका हुआ फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, देख लीजिए कहीं डाउट है कहीं दिक्कत है तो, ऐसा क्वेश्चन हम होमवर्क में भी देंगे आप ट्राई करना, जहां दिक्कत होगा बोलोगे, अभी कुछ पूछने का है देख लो। सर वो बी नंबर में आई का वैल्यू कैसे आया है, आई का वैल्यू यहाँ पे बी नंबर में हाँ यहाँ पे दिस वन,
यहाँ पे आई का वैल्यू देखो, मतलब 4 ओम इस रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम एज्यूम किए थे टोटल करंट कितना है आई, तो टोटल करंट हम पहले ही निकाले हैं, टोटल करंट देखो कितना निकाला है, टोटल करंट इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बैटरी का 12, टोटल रेसिस्टेंस कितना 6, याद करना टोटल रेसिस्टेंस पहले निकाल लो है ना फर्स्ट पार्ट में, तो वहां पे टोटल करंट कितना आया 2 एम्पीयर, उसी का यूज किए हम, हालांकि यहाँ पे भी लिख दिया करंट थ्रू 4 ओम, मतलब 4 ओम के थ्रू करंट कितना है 2 एम्पीयर, तो इसलिए आई का वैल्यू लिया कितना आई आर, आई की जगह पे वैल्यू कितना लिया 2 एम्पीयर, गॉट इट सर। तो वहाँ ऊपर जो 3 ओम है वहाँ पे आई वन में 4/3 क्यों वैल्यू लिया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई वन का जो वैल्यू है, आई वन और आई टू दोनों में अलग अलग वैल्यू होगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो करंट अलग अलग होगा, यहाँ पे टोटल करंट बना लेता है, जो टोटल करंट किसके थ्रू जा रहा है 4 ओम जो आई है, मतलब आई वन का वैल्यू कितना है 4/3 वैल्यू 1.33, आई टू का वैल्यू कितना 0.67 मतलब 2/3 एड जब करोगे तो वही वैल्यू आपका आएगा 2 एम्पीयर है ना, यही है ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत है? जो पूछ रहे थे अभिजीत या कौन पूछ रहे थे बोलो, किनका डाउट था? यस सर। समझ गए? यस सर। चलो ठीक ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक होमवर्क हम दे रहे हैं ठीक है, ये मिटा नहीं, हम पूरा होमवर्क वो कंप्लीट जरूर करोगे, नेक्स्ट क्लास में पहला क्वेश्चन वही हम डिस्कस करेंगे ठीक है, ये मिटा दे। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं ऊपर पे, मस्ट सॉल्व करोगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप एस चंद की बुक है कि नहीं के पास, ये बुक उसमें मिल जाएगा है ना, तो वहीं से हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है ठीक है, ये रेसिस्टर का सिंबल है ना, कभी कभी क्वेश्चन में रेसिस्टेंस जो इस तरह का सिंबल होता है, रेसिस्टेंस के बजाय रेसिस्टर का सिंबल शो कर देता है, मतलब उसको आप ट्रीट करो रेसिस्टेंस की ही तरह, कि ये 6 ओम है ये 3 ओम है सीरीज में है, 12 और 3 सीरीज में है, फिर बाद में पैरेलल में होगा, और देख लेना करंट कितना होगा
कुछ हिंट दे दे रहा है, यहाँ पे करंट अलग होगा, यहाँ पे करंट अलग होगा, ये आई वन और ये आई टू, ठीक है। करंट आई वन आई टू निकालोगे उसके बाद अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन था बिल्कुल उसी पर बेस्ड है, वो क्वेश्चन जो समझ गए वो बखूबी, उससे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। मिटा दें ये, यस सर मिटा दीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट आई हो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो इसमें लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा है, मैं नोट्स पे तो उतना कुछ नहीं लिखा रहे, आपका टाइम सेव होगा, नोट्स दिए हुए हैं, है ना, हम समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट का तीन इफेक्ट होता है, देयर आर थ्री इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे हर इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट हीट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब जब भी करंट फ्लो करता है सर्किट में तो सर्किट में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, सर्किट मतलब वायर है, वायर में हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसी हीटिंग इफेक्ट का हम लोग यूज करते हैं कुछ कुछ अप्लायंसेस में, कौन सा अप्लायंस, जैसे हम लोग घर में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हो गया आपका हीटर हो गया, ठीक है, गीजर हो गया, है ना, आयरन हो गया, ठीक है, ओवन हो गया, तो इस तरह का इंडक्शन चूल्हा हो गया, है ना, बहुत तरह का ऐसा डिवाइसेस है, ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो जाने कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होगा बोल रहे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बात ये आती है कि हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखो हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट का जो रीजन है, आप जब वहां रीजन कंट्रोलोगे ढूंढोगे तो आपको फिर से आपको जाना होगा रेसिस्टेंस पे, याद करना रेसिस्टेंस के बारे में बताए हुए थे, ठीक है। तो किस तरह से बताए हुए थे कि सपोज कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, एमीटर आप कनेक्ट कर दियो, कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और सर्किट में जो कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब क्या, वायर, मेटल वायर, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो उसमें एक अपोजिशन भी क्रिएट होता है, और उस अपोजिशन को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। फिर समझाए हुए थे रेसिस्टेंस का रीजन, क्या रीजन बताए थे, किसी को याद है, एनीवन से रेसिस्टेंस का क्या रीजन समझाए थे, रेसिस्टेंस कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जब सर्किट में फ्लो करता है तो एक अपोजिशन क्रिएट होता है जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस का रीजन क्या है बताओ कोई, कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना,
अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। ये कहां से आया, जो मेटल है, मेटल का टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। मान लो कि एल्युमिनियम का वायर है तो बोले थे एल्युमिनियम का एक एटॉम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या है 8p, मतलब एल्युमिनियम का एक एटॉम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यह कैटायन बनाता है, एल्युमिनियम 3+। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो क्या होता है, कैटायन से टकराता है, याद करना बता रहे थे कि कैटायन से टकराता है, और कैटायन से जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा उसका स्पीड कम होता है। जब कैटायन से इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो जिस स्पीड से जा रहा है, जो वेलोसिटी से जा रहा है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है। जब वेलोसिटी कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहिए उसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मतलब करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो रहा है मतलब एक अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, इसी अपोजिशन को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में बैरियर का काम कौन कर रहा है, द कॉलिजन, कॉलिजन बिटवीन कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट जब है तो रेसिस्टेंस तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स आया कहां से, तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आया है मेटल लूज किया, और जब मेटल लूज किया है इलेक्ट्रॉन्स तो कैटायन बनाएगा ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट के दौरान क्या होता है, वो कैटायन से टकराता है, और कैटायन से टकराने के कारण क्या होता है, उसका वेलोसिटी कम होता है। अब देखो जब वेलोसिटी कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। आपके पास ये भी फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स का जब वेलोसिटी कम हो रहा है तो उसके कारण उसका काइनेटिक एनर्जी कम हुआ। चलो एज्यूम करते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के उसका 5 जूल काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, मतलब उसका जो काइनेटिक एनर्जी जो कमी आया, जितना लॉस किया, जितना डेप्रिसिएशन हुआ, वो किसी ना किसी फॉर्म में तो वो कन्वर्ट हुआ होगा, क्योंकि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हो 9 में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एनर्जी को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, ये जब भी होता है वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी का जो वो कमी आया, 5 जूल जो कम हुआ, वो किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में तो चेंज हुआ होगा। तो जब टकरा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो उसका काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आया वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी। तो यही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है सर्किट में तो क्या करता है, क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होता है, और इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। क्यों हीट प्रोड्यूस होता है, रीजन क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है तो कैटायन से टकराता है, कैटायन से टकराने के होता है, जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया, डेप्रिसिएशन हुआ, वही लॉस जो है एनर्जी में जितना हुआ वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, हीटिंग, हीट एनर्जी के फॉर्म, तो इसीलिए हीट प्रोड्यूस होता है। कोई दिक्कत, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे दो क्वेश्चंस नोट्स हम दे चुके हैं, आप उसको कॉपी करना, ठीक है, जैसे हम बताया वैसे एज इट इज दिखाया, ठीक है। दो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें और एक क्वेश्चन देता है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब जूल साइंटिस्ट का नाम था,
है ना, उसी के ऑनर पे हीट एनर्जी का, हीट का या एनर्जी का, हीट एनर्जी बोलो या कोई भी एनर्जी बोलो, एनर्जी का यूनिट जूल दिया है। तो जूल के द्वारा फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, इतना हीट प्रोड्यूस होता है उस रेस्पेक्ट में जूल ने एक लॉ दिया, ठीक है समझो क्या है। तो जूल ने जो लॉ दिया वो एक पॉइंट ध्यान देना, एक फॉर्मूला है उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और ये फॉर्मूला आप डेराइव भी करोगे। अभी हम लोग डेराइव, मैक्सिमम कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो एच इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई का मतलब है करंट, आई स्क्वायर है, आर का मतलब है रेसिस्टेंस, और टी का मतलब है टाइम, जितने ड्यूरेशन के लिए सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं। लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है देखोगे, ये भी हम दिखा नहीं रहे, बस इसके पॉइंट्स को हम समझा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, मतलब ध्यान देना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग थ्रू द सर्किट हीट इज प्रोड्यूस्ड, एंड अमाउंट, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। पहला स्टेटमेंट था, पहला लॉ था, जूल के द्वारा लॉ दिया गया, फर्स्ट लॉ ये, फर्स्ट लॉ कितना हीट प्रोड्यूस होगा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट आई स्क्वायर। दूसरा लॉ बताया, ध्यान देना यहीं से, H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, फिर H प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू T। ये फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं, इतना लंबा चौड़ा जो नोट्स हम दिए हुए हैं आप देखोगे, सात आठ लाइन का नोट्स है, उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ याद ही क्या रखना है, ये फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर R, मतलब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस क्या होगा, प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का, ये सेकंड लॉ है, और थर्ड लॉ में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टाइम ड्यूरेशन का, तो विच करंट पासेस और फ्लोस, ठीक है। तो द स्टेटमेंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द करंट, सेकंड लॉ, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, amount of heat produced is directly proportional to time duration through which the current flows, ठीक है। तो ये तीन लॉ है जो यदि आपको देता है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये तीनों लॉ लिख लोगे आप लोग। और सर यार, और सर आखिरी वाला एक और बार बता दीजिए ना, आखिरी वाला एक और बार बता, हाँ सर वही वाला, हाँ हाँ, H proportional to T का मतलब क्या, देखो सर्किट में यदि हम 2 सेकंड के लिए करंट फ्लो करा रहे हैं तो हीट ज्यादा फ्लो होगा, वही चीज बोला कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब कितने देर तक हम करंट फ्लो करा रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन थ्रू विच करंट फ्लोस। करंट ज्यादा देर तक हम करंट फ्लो कराएंगे तो हीट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना, यही बात है। जैसे हम हीटर हम लोग लगाते हैं, तो यदि हम 10 सेकंड के लिए हीटर यूज कर रहे हैं तो भाई मान लो कि 100 जूल हीट प्रोड्यूस किया, यदि हम 1 घंटे तक चला रहे हैं हीटर को तो भाई ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 घंटे में हम बहुत सारा खाना बना सकते हैं, 2-3 आइटम बना लेंगे, समझ रहे हो। तो हीट कितना प्रोड्यूस, क्लियर, ठीक है जी। यस सर, सर और सेकंड पॉइंट भी बता दीजिए एक और बार। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या, देखोगे हीट कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस पे भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, यहाँ से एक कंट्राडिक्शन है और इससे एक क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। देखो अब
आपके दिमाग में ये आता होगा, क्वेश्चन आप कर भी सकते थे यार, कि सर हीट करंट के स्क्वायर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब करंट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ेगा। जब हम रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे, मान लो कि सर्किट में ज्यादा रेसिस्टेंस आएगा तो करंट तो अपने आप कम हो जाएगा, और करंट यदि कम हो जाएगा तो हीट भी कम हो जाएगा, ये तो दोनों एक दूसरे को उल्टा लग रहा है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर समझो। ठीक है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है और वो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं यहाँ यहाँ के थ्रू। देखोगे क्वेश्चन ये है, द कॉर्ड ऑफ द हीटर doesn't glow while the coil glows। मतलब कोई हीटर यदि हम लोग लेते हैं घर में, जैसे हीटर यूज करते हैं, हीटर का जो कॉयल होता है, ठीक है, नाइक्रोम वायर का बना होता है कॉयल, इस तरह का आप देखते होंगे हीटर जो है इस तरह का कॉयल होता है, इस तरह का कॉयल होता है। ठीक है, मान लो कि जो ऊपर से आप देखते हो इस तरह से रहता है, लेकिन वहां पे भी यदि आप देखोगे इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है। सर इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो एलॉय है, मेटल का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 1000+। ठीक है, तो यस क्या है कि जो कॉयल है, ठीक है, कॉयल जो है वो नाइक्रोम वायर का बना होता है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग हीटर यूज करते हैं उसमें कॉयल ग्लो करता है, ग्लो करता है मतलब क्या लगता है, जैसे आग लग गया है वहां पे, काफी ज्यादा चमकीला गोल्डन कलर का हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड हीटेड हो जाता है। लेकिन जो वायर है हीटर, जिस कॉर्ड से कनेक्टेड है, कॉर्ड का मतलब वायर, जिस वायर से कनेक्टेड, तो भाई वायर में भी तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे ग्लो नहीं करता है। यदि आप उसमें कवरिंग है, प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, इंसुलेटिंग कवर लगा हुआ है, उसको यदि हम हटा भी दें बाय द वे, और वहां पे टच नहीं करना है, यदि हटा दिया जाए एक और दूसरी जगह हटा के अलग अलग रखते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्टेक्ट में आ गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो बाद में हम बताएंगे शॉर्ट सर्किट के। तो यदि हटा भी दिया जाए बाय द वे, और हम लोग देखेंगे कि कॉर्ड कॉर्ड दैट इज वायर, वायर वहां पे ग्लो नहीं कर रहा है, रेड हीटेड नहीं हो रहा है, लेकिन कॉयल जो है हीटर का कॉयल जो है वो रेड हीटेड हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि कॉर्ड वायर वायर का रेसिस्टिविटी कॉयल का रेसिस्टिविटी मींस रेसिस्टेंस का क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, इस कारण से कॉयल में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। मतलब देखो जैसे ये हीटर है, हीटर कनेक्शन हम कर दिए हैं, ये वायर कनेक्शन कर दिए हैं। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो पावर होगा। ठीक है, इवन 9th क्लास में भी पावर पढ़ चुके हैं, मतलब किस रेट से एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो देखोगे कोई भी हीटिंग डिवाइस यदि है घर में, कोई भी यदि हीटिंग डिवाइस आप देखते हो काफी ज्यादा पावर का होता है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को खींचने वाला होता है। इसलिए कभी भी आप घर में इन्वर्टर के साथ हीटिंग डिवाइस को कनेक्ट नहीं करते, कभी आप नहीं पाओगे कि आप इन्वर्टर से आयरन करोगे, आयरन यदि एक दो किया तो बस मम्मी पापा बस धमकाने लगे, इन्वर्टर डाउन हो जाए। ठीक है, इंडक्शन चूल्हा कभी नहीं लगाते हो, हीटर कभी नहीं लगाते हो, रीजन ये कोई भी हीटिंग डिवाइस है तो काफी ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। सपोज मान लो कि हीटर है, हीटर करंट जितना ड्रॉ कर रहा है, आप देखोगे वहां पे जो 5-pin सॉकेट लगाया जाता है वो भी काफी ज्यादा रेटिंग का होता है, 15 एम्पियर। कम रेटिंग का यदि होगा, कम करंट, कम रेटिंग वाला यदि हम वहां पे लगा देंगे तो वह जल जाता है बहुत जल्दी। तो कोई भी हीटिंग डिवाइस बहुत ज्यादा पावर का होता है, सपोज कि 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, तो यदि हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉर्ड में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम बोलेंगे H इक्वल टू I स्क्वायर, 10 स्क्वायर। रेसिस्टेंस यदि हम बोलेंगे 1 ओम यदि है, और चलो हम लोग मान लेते हैं रेसिस्टेंस 1 ओम है, और टाइम 1 सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो जानना चाह रहे हैं, तो 10 स्क्वायर मतलब 100 जूल। लेकिन
जो कॉयल होता है, कॉयल का रेसिस्टेंस यदि हम बोलेंगे, यदि हम कॉयल का यदि बात किए, कॉयल के लिए हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो बोलेंगे आई स्क्वायर, कॉर्ड में 10 एम्पियर था तो यहाँ पे भी 10 एम्पियर ही है, 10 स्क्वायर। रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस वायर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। मान लो कि यदि 1000 टाइम्स एक सेकंड में कितना करंट फ्लो होगा, तो यदि वहां पे 100 था तो 100,000 यहाँ पे आता है। मतलब क्या, रेसिस्टेंस कई गुना होने के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे कॉयल में, क्या होता है काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। किस कारण से? उसका रेसिस्टिविटी, ठीक है, वो जो मटेरियल का बना होता है, एलॉय का बना होता है, उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है काफी ज्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है यहाँ पे कंपैरेटिवली होता है, इसलिए कॉयल ग्लो करता है जबकि कॉर्ड ग्लो नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग जहां पे हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिस एलिमेंट पे, जिस पार्ट पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस पार्ट का रेसिस्टेंस क्या किया जाता है, ज्यादा रखा जाता है। एक तो करंट डेराइव कर रहा है, आई स्क्वायर के अनुसार होगा हीट प्रोड्यूस होगा, और रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना टाइम्स हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जिस जगह पे हीट प्रोड्यूस किया जाता है वहां का रेसिस्टिविटी क्या किया जाता है, ज्यादा रखा जाता है। वैसे मटेरियल को बनाया जाता है इसका रेसिस्टिविटी ज्यादा, ठीक है सर। ये रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस अगर वहां का ज्यादा होगा तो उसमें आई का वैल्यू भी तो हो जाएगा बहुत कम। अब देखो ध्यान देना, डिवाइस जो है, डिवाइस का रेटिंग डिसाइड करता है कि कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। जब करंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 10 एम्पियर, है ना, जब 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहीं कुछ, कहीं कम करंट जाएगा कहीं ज्यादा जाएगा, क्योंकि कोई भी सर्किट के लिए लुक करना अनुसार टोटल रेसिस्टेंस के अनुसार करंट यहाँ पे जा रहा है, टोटल रेसिस्टेंस के अनुसार ही करंट आया, कितना 10 एम्पीयर, यहाँ पे भी 10 एम्पीयर जा रहा है और यहाँ पे भी क्या होगा 10 एम्पीयर, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, दो पाथ नहीं बना रहा है, करंट का अमाउंट कम हो जाए, ठीक है। तो करंट का अमाउंट जो है जब सीरीज कॉम्बिनेशन नाम बताया होते हैं R1, ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस के अनुसार क्या होता है करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना करंट होगा यहाँ पे भी उतना ही होगा, क्लियर? यस सर, ठीक है, यस। चलो अब देखो यहाँ पे जब समझ चुके हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अभी क्या क्या बताया है हीट से रिलेटेड, what do you mean by heating effect of current, cause behind heating effect of current and Joule's law of heating effect of current. अब चलो हम लोग derive करते हैं ये formula H equal to I square RT, ठीक है, ये formula derive करते हैं, ठीक है। एक question चलो हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन इज डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, प्रूव एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब देखो कोई सर्किट के लिए हम लोग चलो कंसीडर करते हैं, सपोज कोई सर्किट है का बैटरी है सब, ठीक है, तो वी वोल्ट का बैटरी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है वो, और जितना चार्ज वो मूव करा रहा है, जितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो उस अनुसार से आपके पास फॉर्मूला है, वो करना क्या,
पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, टोटल वर्क डन बाय टोटल चार्ज, ये फॉर्मूला है। इससे क्या होगा, वन कूलम चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप जैसे नोटेशन में लिखते हो V इक्वल टू W बाय Q, तो कितना वर्क डन होगा हम लोग ये लिख सकते हैं, W इक्वल टू V इनटू Q ये लिख सकते हैं। अच्छा देखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं V इक्वल टू I इक्वल टू हो जाएगा आई आर, और चलो क्यू एज इट इज रखते हैं। इवन आप क्यू को भी चेंज कर सकते हो, हम लोग क्या लिखेंगे क्यू के लिए, आपके पास आता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट का जो फॉर्मूला लिखे हुए थे डेफिनेशन से ही आया हुआ था, करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पे आपके पास Q के जगह पे क्या आएगा, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है तो I इंटू T, मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो बोलेंगे I स्क्वायर R T, मतलब कितना वर्क डन हो रहा है I स्क्वायर R T। अब देखो जो हीटिंग डिवाइस होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे हीटर का हम एग्जांपल, उसमें जो कॉइल है तो कॉइल में कितना करंट फ्लो करेगा, कॉइल का रेसिस्टेंस कितना है, कॉइल में कितने देर तक करंट फ्लो कर रहा है, उसी पर डिपेंड करेगा हीट कितना प्रोड्यूस होगा। तो वहां पे जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है, वो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वहां पे मैक्सिमम या लगभग सारा का सारा जितना भी वर्क डन हो रहा है, चार्ज को मूव कराने के लिए जितना भी वर्क डन हो रहा है, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, तो हम बोलेंगे किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनर्जी। इसके हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे W के बदले लिखेंगे H, H इक्वल टू I स्क्वायर R P, मतलब मैक्सिमम इतना ही प्रोड्यूस होगा। द एनर्जी यूटिलाइज इन द वर्क डन इज ट्रांसफॉर्म इनटू into heat energy, मतलब work done में जितना भी energy utilize हो रहा है, लग रहा है, वो किस form में convert हो रहा है, heat के form में, जिसे W के बदले क्या लिख दे रहा है, H, H for heat energy, heat energy produced equal to I square R T, यही है expression हमारा, ठीक है, hence true, ठीक है, तो यही था कि कितना heat produce होता है, ये आपका ठीक है, यस सर, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना आप कंप्लीट करके रखना, एक इंटीग्रल दिए हैं उसको आप कंप्लीट करना, ठीक है, और जब आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप क्या करोगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाना, इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो पावर से रिलेटेड लास्ट तीन क्वेश्चन है वो सिर्फ नहीं बनेगा, बाकी उधर का सारा क्वेश्चन बनेगा, लगभग 12-15 क्वेश्चन है, तो वो सब सारा क्वेश्चन बनाओगे, जो दिक्कत होगा पूछो, हम डिस्कस तो करेंगे आगे चल, लेकिन आप जितना खुद से बनाओगे उतना बेहतर है, ये पता चलेगा कि कितना आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है इंटेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एक न्यूमेरिकल जो दिए, ठीक है, और आज जितना भी बताए हैं उसको आप प्रैक्टिस करो। और सर ये, और सर एक और बार इसको बता दीजिए ना कि हीटर में अगर R का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका वैल्यू, I का वैल्यू तो एकदम ही हो जाना चाहिए, एकदम थोड़ा हो जाना चाहिए, एकदम बहुत कम हो जाना चाहिए, फिर क्यों आते रहता है उसमें कांस्टेंट वैल्यू I का। हीटर का जो कॉइल है, कॉइल का जितना भी रेसिस्टेंस है, वायर का जितना रेसिस्टेंस है, वो टोटल रेसिस्टेंस के ही अनुसार क्या हो रहा है, करंट आएगा, लेकिन वहां पे टोटल रेसिस्टेंस के अनुसार करंट आ रहा है, जितना भी करंट आ रहा है, ठीक है, तो करंट जो है जितना करंट ड्रॉ किया गया, अब वहां पे चूंकि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है,
इस कारण से क्या होता है कि वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यही रीजन होता है। वहां पावर डिसाइड करता है कि करंट कितना फ्लो करेगा, और आगे भी हम बताएंगे जो पावर जब बताएंगे तो उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पावर का मीनिंग क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास सर, बोलो सर, 1 एम्पियर में कितने होता है सर? 1 एम्पियर हाउ मेनी एम्पियर्स? 1 एम्पियर में कितना एम्पियर होता है? कितना एम्पियर, ये कोई मीनिंग नहीं हुआ। समझो बात को, आप ये बोल सकते हो, देखोगे कि 1 एम्पियर जो करंट है वो लगभग कितना चार्ज फ्लो करता है। देखोगे हम बताए रहते हैं करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, याद करना डेफिनेशन से ही आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो। यदि चार्ज चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे करंट कितना है 1 एम्पियर। मतलब कोई एक सर्किट है, सर्किट में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट का अमाउंट कितना बोलेंगे 1 एम्पियर। और गौर करना 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ये भी हम निकाल के दिखाए हुए हैं। 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब 1 सेकंड में इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है कोई भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो हम बोलेंगे कि करंट का अमाउंट कितना है। आपका वो क्लियर हुआ? यस सर। तो सर एम सर डिफरेंस बिटवीन एम्पियर एंड एम्पियर, एम्पियर और डिफरेंस पूछ रहे हो आप, समझ नहीं पा रहे आपके क्वेश्चन को। उसमें मिस्टेक से समझ गए सर, समझ गए आप ना? यस सर। ठीक ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहता है कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लो।